देखिए हम लोग का कर्वेचर क्या होता है, कर्व का पिक्चर ओके सर्वाइकल का, ठीक है। जब भी हम सोते हैं तो हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स होता है, जब भी हम सोते हैं पूरा बॉडी रिलैक्स होता है। सो क्या होता है कि ये पोस्चर, सो कोई कोई होता है कि बोलता है कि मतलब कि बिना पिलो लिए सोने से अच्छा है, ठीक है, एंड समवन इज प्रेफरिंग पिलोस, ओके, और कैसा पिलो यूज करना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग वेट जानता है, कैसा पिलो यूज, टाइट पिलो या सॉफ्ट पिलो या डबल पिलो, बहुत लोग इसे यूज करते हैं फॉर रीजन से, रिपीटेडली करते करते आफ्टर सिक्स मंथ्स वो सिक्स टू वन ईयर्स में वो इतना मतलब ठीक क्या होता है, पोस्चर खराब हो जाता है, नेक का कर्वेचर खराब होता है, लॉस होने का स्ट्रेस यहाँ पर पड़ता है हॉस्पिटल बोन की तरफ, और ये मसल पर टैटिजेस में पेन होना शुरू होता है, ठीक है, और जितना भी सर्वाइकल से लेकर थोरैसिक पे, फिर ये नेक के एरिया में सर्वाइकल रीजन में नेक पेन, में नेक पेन शुरू हो जाता है और स्पैज़म बढ़ जाता है, ठीक है। सो क्या होता है, पहला हो गया पिलो कैसे यूज करते हैं। जब भी आप सोते हो, ठीक है, आपको बोलता है कि सब लोग की पिलो यूज नहीं करना चाहिए, अगर किसी को होता है अगर नेक का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बट क्या आप दिन में कितने बार सोते हो, 7 to 8 hours स्लीप करते हो, 7 to 8 hours स्लीप में क्या होता है कि आपका होल बॉडी रेस्ट रहेगा, अगर ये चीज कर्वेचर अगर आपका रेस्ट नहीं रहेगा तो होल बॉडी का प्रेशर ये कर्वेचर में पड़ेगा, नेक के कर्वेचर में, ठीक है। देखिए आप सो के बता रहे, ओके, नाउ आई एम लाइंग, अब मैं 7 घंटा 8 घंटा सो रहा हूँ, ठीक है, सो रहा हूँ होल बॉडी सब रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, माई हेड रिलैक्स नहीं है, क्योंकि इसका नेक में प्रेशर पड़ रहा है, अगर नेक में प्रेशर पड़ेगा आपको ब्रेन में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो डिस्टेंस है हमें उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो वी आर यूजिंग सॉफ्ट पिलो, ठीक है। देखिए अब हो गया, हम तो सो गए, ऐसा थिक पिलो सॉफ्ट पिलो आप यूज करेंगे, टाइट पिलो लेने से क्या होता है कि आपका नेक का प्रेशर को और बढ़ा देता है, टाइटनेस तो उसी कारण स्पैज़म भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो अब ये जो कर्वेचर है आप उसी के साइड से ले लिया पिलो, सो वो कर्वेचर को मेंटेन कर रहा है, आप पूरा टोटली रिलैक्स 7 to 8 hours स्लीप कर सकते हैं, दिस इज अ गुड पोस्चर, ओके। मिस्टेक इज आपको बिना पिलो लिए नहीं सोना है, आपको पिलो लेके सोना ही है, ठीक है। और आप कोई कोई होता है जो दिस जो पिलो को फोल्ड करके ऐसे सोते हो, दिस इज अ बैड पोस्चर, ओके। इसमें क्या होता है, देखो नेक का जो स्ट्रेट कर्वेचर है इसको आप कर्व ऊपर फ्लेक्शन की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग कर दिया, तो उसमें क्या होता है स्पाइन का कर्वेचर लॉस हो जाता है और डिस्क जो होता है पीछे की तरफ निकल के नर्व को पिंच करता है, फिर उसी से आपका क्या होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सफोकेटिंग सब होता है, क्योंकि ऐसा 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 पोजीशन में क्या होता है कि ना नेक में स्ट्रेस पड़ता है और ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इंसान ऐसे सीधे सोते हैं, ठीक है, ऐसे डबल पिलो नहीं लेना है, ये भी है सेकेंड मिस्टेक, ओके, पिलो का मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब चलो पिलो हटा दें, अब हम जाते हैं 7-8 घंटे में इंसान कभी सीधा नहीं सोता है, साइड में सोता है ना, साइड लाइन पोजीशन में बेसिकली ऐसे। सो क्या होता है, अब देखिए हमारा गला का जो और बैक का जो कर्वेचर का जो हाइट था वो थोड़ा कम था, मिनिमम 4-5 meters ऐसा होगा, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर। तो अब शोल्डर का देखिए, शोल्डर और नेक का जो है डिस्टेंस कितना है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। आप जब भी ऐसे सोओगे शोल्डर को ऐसे प्रेशर देके पिलो पे, ठीक है, आपको पोस्चर क्या होता है कि मेंटेन करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइट देखो पिलो और मेरा हाइट कितना है, अगर मैं ऐसे सोऊंगा शोल्डर पे पिलो और मेरा हाइट का देखो हाइट कितना है, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके, साइड लाइन पोजिशन में कितना गैप हो रहा है, बहुत गैप हो रहा है, बट सुपाइन में जब हम सीरियस होते हैं तब उसमें गैप कम होता है, तो हमें पिलो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप इसके लिए आप डबल पिलो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए डबल पिलो यूज करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए अब वन पिलो ले रहे हैं, शोल्डर को आगे की तरफ लाओ, शोल्डर को रिलैक्स दो, कभी भी शोल्डर पर प्रेशर नहीं देना, ठीक है। आप कर सकते हैं ऐसे करके सो सकते हो साइड लाइन में, इट्स ओके, सो आपका शोल्डर भी रिलैक्स रहेगा, और क्योंकि शोल्डर रिलैक्स रहने के कारण उसका हाइट कम जाता है, तो आप साइड कर्वेचर में ऐसे सो सकते हो। देखिए आप ऐसे रहेंगे तो हाइट ज्यादा है ना, तो आप इसको गैप को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो प्रेशर, और कोई कोई लोग इसको मेंटेन करने के लिए ऐसे हाथ दे देते हो, सो इट्स अ बैड हैबिट, ठीक है। ये थर्ड मिस्टेक्स है, सो ये 3 mistakes हैं पिलो के कारण, इंक्लूडिंग आपको जो ये चीज पता है डबल पिलो ये कभी नहीं करना चाहिए, और
बहुत लोग होते हैं जो बेड पे बिस्तर पे साइड में कोई भी टीवी या कुछ भी देख रहा है, कंप्यूटर या एवरीथिंग, नॉट एवर कंप्यूटर, कुछ भी डिस्टेंस वाइज टीवी हाइट में लगा के अब ऐसे करके लीन करके सोते हैं ना वॉल पे, डबल डबल पिलो रखने के बाद नेक को पूरा ऐसे करके सोते हो। बाद में पोजिशन बता देता हूँ, सपोज ये घर में डबल पिलो यूज करते हो कोई, ठीक है, ऐसे देखने के लिए ये बहुत खराब आदत है। अगर कोई जैसे हाइट से रखे ऐसे, तो आपका क्या होता है जो कर्वेचर है ये भी कर्वेचर, बैक का भी कर्वेचर खराब कर रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका जो नेक का कर्वेचर भी फॉरवर्ड की तरह बेंड कर रहे हो, जो कि ह्यूमन कर्वेचर ऐसा होता है, एस कर्वेचर में, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत मिस्टेक है। आप कहीं भी टीवी सोते हो, कहीं भी देखते हो, आप प्रॉपरली बैठ के देखो, बेटर ऐसे लीन होकर मत देखो, उससे क्या होता है कि नेक का प्रेशर बिल्डअप करता है और बैक का भी, ठीक है।